फिर हम सो गए। दीप्ति यही यहाँ पर पड़ी है। फाइनली हमारी बस निकल चुकी है ऋषिकेश के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल संजय। बहुत महीनों बाद हमारा एक ब्लॉग साथ में आया। हम जा रहे हैं ऋषिकेश घूमने के लिए। सब अभी बता देते हैं। मेरी कल और परसों छुट्टी है, तो आज मेरे अच्छे से सुपरवाइजर ने बोला जल्दी चले जा और घूम के आता। तो आज मैंने, वैसे मैं रात को 2-3 बजे आता हूँ, मतलब दूसरी शिफ्ट करता हूँ, तो आफ्टरनून शिफ्ट में आजकल तो उसको टाइम नहीं लगता, तो उसने बोला 2 दिन का ऑफ है, तो ना घूम के सर जल्दी प्लान बनता है, बैग उठाओ ना। देखो हमारे बैग रखे, मेरा तो दिख ही नहीं रहा। तो मम्मी लोग भी ऋषिकेश में ही हैं, बहन का रूम ऋषिकेश में, तो एक दिन जाएंगे। अभी देखो, अभी हम जस्ट मेट्रो से आए, तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में आए, अभी घूमेंगे अभी नहीं घूमेंगे, अभी हम जाएंगे बस में बैठेंगे, अभी कुछ खा लेते हैं। 10 बज रहे हैं लगभग, तो 9:30 हो रहे थे, तो फिर ऋषिकेश हम पहुँच जाएंगे सुबह 3 बजे तक। पहले कुछ खा रहे हैं, पहले खाते हैं, पहले भूख लगी है। अपना पेट देख रहा है कितना बाहर निकल गया। ओए हमने फटाफट खाना ऑर्डर कर दिया, बहुत भूख लगी थी। मैं तो रूम से फ्राइड राइस खा के आया था, और इसने कुछ नहीं खाया था, बट साथ साथ खा लेंगे। इसके लिए चिकन बर्गर और मेरे लिए KFC चिकन। तो बोलना जरूरी है कि यार, अब वेज बोल के क्या लोग अच्छे हो जाते हैं? वेज की बात नहीं, चिकन बर्गर। लोग सोचते हैं जो वेज खाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, जो चिकन खाते हैं वो बहुत आरामी होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप चिकन खाते तो आपका नेचर भी वैसे हो जाता है चिकन जैसा, मतलब एग्रेसिव चिकन जैसा नेचर, मतलब ऐसे नहीं कि आप वैसे चलने लगोगे फिर दिखने लगोगे। गर्मी लग रही है, सही में रख लिया घर में। अभी हम जाएंगे ऋषिकेश, फिर थोड़ा वहाँ घूमेंगे, गंगा आरती देखेंगे, मेरे तो चिकन के लेग पीसेस, चिकन लेग पीस, और ये इसका सड़ा हुआ बर्गर, और ये मेरी कोक तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। इसके साथ थी, अब मैं क्या मना कर देता। पेट पूजा के बाद हम चल पड़े हैं वापसी, यहाँ सामने जाना है, ये है हमारा बस अड्डा कश्मीरी गेट। मुझे हमेशा घर की याद आ जाती है जब भी यहाँ। तू नहीं समझ पाएगी बेटा, जो लोग घरों से दूर रहते हैं ना, जो लोग घरों से दूर हैं 2 पैसे कमाने के लिए, कहाँ से, काश मैं घर जा रहा होता। ऋषि के घर नहीं है, हाँ बट मम्मी है वहाँ तो लगेगा घर है, बट मेरा घर घर है। कब से नहीं गया हूँ, कितने महीने हो गए हैं, 2 महीने। हमको मिले ऐसे ही, किसी दिन जब वहाँ जा रहा हूँ ना कनाडा, ऐसे ही जाऊंगा एयरपोर्ट, बस ये बस अड्डा है। वो आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं यहाँ पे बस स्टैंड। अभी हमें यहाँ पे ढूंढनी है ऋषिकेश की बस। यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा रोडवेज, वो है अपनी उत्तराखंड परिवहन निगम, जोर से बोलो उत्तराखंड की। मुझे अपने वहाँ से बड़ा अच्छा लगता है यार उत्तराखंड। ये बस बात की है शायद, पहले यहाँ लगी होगी। देखो ये भी उत्तराखंड परिवहन निगम है, ये भी ऋषिकेश हरिद्वार की है। अभी सिर्फ मैं और ओए, अरे ये तो कूल, सिंपल होता है इसका जो खुल गया। बस ये है हमारी आज की लग्जरी बस। हम तो जब भी जाते हैं रोडवेज में जाते हैं, सस्ता किराया और एकदम ओपन एसी। ये वाली सीट हमने कंफर्म कर दी है, यहाँ पे बैग है। बस फाइनली हमारी बस निकल चुकी है ऋषिकेश के लिए। टाटा बाय बाय दिल्ली कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, सिर्फ 1 दिनों के लिए। जिस दिन दिल्ली छोड़ूंगा ना, हमेशा के लिए उत्तराखंड चले, जिंदगी का बेस्ट का बेस्ट का बेस्ट दिन होगा। एक और जगह है दिल्ली, सॉरी दिल्ली वालों, अगर मेरी वीडियो देखते हैं सॉरी, मैं यहीं कमाता हूँ।
किसी थाली में खाता हूँ, किसी थाली में छेद करता हूँ। माय अपोलॉजीज। बस रुकी हुई है और आप देखोगे इतना कोहरा हुआ है, मतलब आपको कुछ दिखेगा नहीं, लिटरली मतलब जीरो विजिबिलिटी है, जीरो। यहाँ देखो ये अपनी बस एक घंटे में लगभग ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। सुबह के 5 और लिफ्ट मांग के हम आ गए। लिफ्ट तो नहीं, मतलब लिफ्ट तो वो होती है कि जिसमें पैसे ना लगते हो। तो देखिए रिफ्यूजी लोग, चंदा मामा ही हमारे, चंदा मामा भी उठ गए अब। तो अभी यहाँ से हमें अगर कुछ ऑटो वगैरह अगर चालू हो गए हों तो अभी और पकड़ वहाँ पे मिले तो पुलिस वाले अंकल सामने। पिछली बार तो हमारे साथ बहुत भयंकर इंसिडेंट हुआ है, कभी फुर्सत में कहानी सुनाऊंगा। तो अभी हम पहुंच गए हैं बेसिकली डोई वाला एक जगह है, यहाँ से अभी हम जॉली ग्रांड जाना है, जहाँ मेरी बहन का रूम है, वहाँ हम रेस्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे ऋषिकेश घूमने। तब तक आप देखो मेरी परछाई जो मेरे साथ हमेशा है, दिखती की तरह नहीं। क्या देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है ऋषिकेश 25 किलोमीटर डोई वाला 2। ओके थैंक यू। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आग बची हुई है, तो हम आग के सहारे यहाँ पे बैठ गए हैं, कभी कोई ऑटो वाटो तो चल नहीं रहा। क्या हालत हो गई है, पैर ठंडे हो गए हैं, देखो जरा जरा सी आग है इसमें। Good morning, everyone. देखिए सुबह हो चुकी है, हम 6 बजे आ गए थे, फिर हम सो गए। दीप्ति यही अपने पड़ी है, अबे मम्मी जी अभी हम उठते हैं, अभी 10 बजने लगभग। देखो यहाँ पे कितनी सारी बिल्लियाँ, एक ये है, एक यहाँ पे भी है, देखो। देखिए मम्मी भी उठ गई, हम जस्ट अभी उठ रहे हैं। कितने प्यारे डॉगी है, यहाँ पे याद रखना चिड़ियाघर खोला हुआ है। हो गए हैं रेडी, 2 हेलमेट्स, एक मेरे लिए एक दीप्ति के लिए, स्कूटी भी है, स्कूटी बहन की है। तो हम चलेंगे अभी, 12 बज गए हैं। तो देखिए रास्ते में बिल्ली है यहाँ पे। ये मेरी बहन है। टूट गई कखन, नहीं ये पहली बिट था। गाइस तो अब जा रहे हैं हम ऋषिकेश के लिए नाश्ता वास्ता करके, देखने जा रहे हैं यहाँ पे दीदी की स्कूटी से। धूप कितनी अच्छी हो रही है यहाँ पे। ऑल सेट गाइस, आप सही हो।